fly. And we could just fade away until we're all. Good morning people, welcome back to another vlog. So आज की वीडियो कुछ और खास होने वाली क्योंकि आज मैं आया हूँ सारनाथ, क्योंकि बहुत अच्छी जगह बनारस की, आपको थोड़ा सा टूर करवाते हैं, उसके बाद एक चीज़ बताते हैं कि यहाँ बनारस में सारनाथ फेमस क्यों है। तो चलते हैं देखते हैं क्या है आखिर। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो काफ़ी डरावना पेड़ है पीछे, तो शायद ये लोकेशन मेरी नेक्स्ट, जैसे मैं इंस्टाग्राम पर देखे होगे, नहीं फॉलो करते हो मेरी इंस्टाग्राम पर आईडी नीचे आ रही होगी। तो फ्रेंड्स जैसे दे सकते हैं बुद्ध जी का है यहाँ पे सारनाथ मीन फेमस है बुद्ध जी के लिए। बहुत अच्छी मूर्ति, मेरे ख्याल से इन्होंने गोल्ड प्लेटेड है या गोल्ड पेंट की है, लेकिन बहुत अच्छी लग रही है। और आज काफ़ी यहाँ भीड़ रास्ते में जाते हुए दिखाऊंगा आप लोगों को, पता नहीं कुछ शायद मेला वेला कुछ है जिसकी वजह से इतनी भीड़ है। हमारे साथ एक स्पेशल बंदे, जैसा कि देख सकते हैं हसमुख बंदे हैं, और उसके साथ साथ पीछे आप देख सकते हैं ये ऊपर बहुत अच्छी बिल्डिंग है, हम लोग इसका भी अंदर जाके वो भी लेंगे वीडियो। तो अब वीडियो अब क्वालिटी आप लोग को और बढ़िया लग रही होगी क्योंकि जो मेरे वीडियो हो जा रही थी दिन में हो जा रही थी, थोड़ी सी रात हो जा रही थी, इस वजह से वीडियो नहीं हो पा रही थी अच्छी। तो होप ये वीडियो भी आप लोग को अच्छी लग रही होगी, इसी की तरह वीडियो और आती रहेंगी, एक्सप्लोरिंग होती रहेगी। आज की जो वीडियो है अच्छी लगे आप लोग को, इस वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। और काफ़ी मतलब 1 वीक हो गया वीडियो डाले हुए, आप लोगों के साथ इंटरेक्शन की, फिर से इंटरेक्शन टूट गया जो आप लोगों के साथ बना हुआ था। तो चलिए फिर अंदर के एक्सप्लोर करते हैं, उसके साथ से पहले थोड़ी देर बैठ लें, आराम कर लें। का बहुत बड़ा सा घंटा जहाँ पे लोग एंट्री करने से पहले इसको बजाते हैं, और अंदर से भी भले ये खाली है पूरा, को बजाने लायक नहीं है लेकिन है बहुत बढ़िया शू पीस ही है, लेकिन अच्छा है। तो हम लोग मेन जो बुद्ध टेंपल है उसको हम लोग एंट्री कर रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे शायद ही कैमरा लगा हुआ है लेकिन लेके आ गया हूँ, और यहाँ पे वैसे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शांति भी है। और होप है आप लोगों को मेरी आवाज़ पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे इतनी शांति हो, मैं ऐसे कैसे बोल भी नहीं सकता हूँ। तो देखते हैं, बहुत प्यारा लुक है और बहुत कम लोग भी हैं। आप देख सकते हैं पीछे बुद्धिस्ट लोगों की पूजा हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। और उसके साथ साथ देख सकते हैं बहुत शांति यहाँ पे जगह है। आप यहाँ पे है एक तो बेचारे भी बुद्धिस्ट बने हुए हैं, जैसे कि मैं देख आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत पुरानी मतलब अच्छी बिल्डिंग्स है, लेकिन यहाँ पे आने के लिए आप लोगों को ये टिकट लेनी पड़ेगी जो कि 15 रुपये की सिर्फ इंडियन वालों के लिए, और जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनके लिए 200 रुपये, पता नहीं कितना कमाएंगे हमारे इंडिया वाले। लेकिन सीन बहुत अच्छा है, थोड़ा सा लुक आप लोग को इसका भी देते हैं, बहुत अच्छा है। पहले तो मैंने सोचा फ्री में, लेकिन यहाँ पर हमारा इंडिया सब जगह पैसे ही लेता है। ये ऐसा लुक है, बहुत प्यारा लुक है और अच्छा लग रहा है, और काफ़ी शांति है यहाँ पे। ये हमारे भाई साहब, अरे भैया ओल्ड बिल्डिंग, और वो रहा हमारा गुंबज, थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं गुंबज फट गया, इतना जूम हो गया लेकिन अच्छा है बहुत। काफ़ी अच्छी प्लेस है, तब आप लोग अगर बनारस में हैं और बनारस से बाहर भी हैं तो आप लोग यहाँ पे आके एक्सप्लोर करने के लिए बहुत अच्छी जगह है, और फोटोज़ के लिए तो बेस्ट प्लेस है, आप लोग यहाँ पे आके सेल्फी खींचें या फोटोज़ लें, बहुत प्यारी जगह है यहाँ पे। और यहाँ से अशोका पिलर, गुंबज नहीं है वो असल में, अशोका पिलर है, यहाँ से स्टार्ट होता है। और कुछ इसके बारे में लिखा भी हुआ है यहाँ बोर्ड्स पे,
तो मैं वो भी शूट कर लूँगा, आप लोग का अगर पढ़ना हो तो वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। और ये हिंदी में, और ये कुछ पुरातन समय के पत्थर जो कि काफी लॉक करके रखे हुए हैं, इनके बारे में लिखा भी हुआ है शायद उसमें, अच्छे लग रहे हैं देखने में। पहले की जो कला थी वो कलाकार बहुत अच्छे कह सकते हैं कि बहुत प्यारे लुक भी देते थे, और उनकी कला में कुछ बात थी तब कुछ बोलती थी उनकी कला। और फिर इसके आगे भी है, और ये कुछ है, क्या लिखा है, डू नॉट सिट और वॉक। ये तो बात है, हम लोग को वहाँ पे बैठना नहीं चाहिए क्योंकि ये पुराने हैं, उसके साथ साथ ईंटें पुराने हैं, उस हिलने के भी वो चांसेस हैं कितने, मतलब लगभग हो गए अशोका के टाइम के हैं, अब क्या पता है कैसे पत्थर हैं। और कुछ यहाँ भी है वो बैठते हैं सैंड स्टोन के, इस वजह से यहाँ पे बैठना मना है ताकि पुराने बने में गिर भी सकते हैं इस वजह से। तो यहाँ पे कुछ शायद पूजा उधर क्या है, आग जल रही पीछे होगा, लेकिन हाँ आप लोग एक्सप्लोर करने आ रहे हो यहाँ पे, बहुत अच्छी जगह है, फोटो भी यहाँ पे क्लिक होती है, और यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ है, पढ़ते हैं उसको। हाँ अगर आप यहाँ पे आ रही हैं तो लगभग एक दो घंटा निकाल के आए सारनाथ, क्योंकि एक्सप्लोर करने के लिए बहुत अच्छी प्लेस है, और पैसे की तो बात ही नहीं यहाँ पे, मतलब यहाँ बस यहाँ पे जो एंट्री का टिकट लगा उसके अलावा तो कोई टिकट नहीं है, लेकिन हाँ अच्छी प्लेस है एक्सप्लोर करने के लिए। होप है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो इसी तरह इस वीडियो को प्यार देती रही जैसे आपने सब वीडियो को प्यार दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड डे, गुड नाइट। दिस इज गगनदीप सिंह साइनिंग ऑफ टू माय चैनल द सिंह तेरा। बाय बाय।